आमतौर पर मुसलमान शिक्षा के मामले में काफी पिछड़े हुए माने जाते हैं, उस पर महिलाएं तो और भी पीछे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुस्लिम समाज भी अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहा है। छोटे छोटे शहरों से भी मुस्लिम बच्चों के बड़े बड़े इम्तिहान पास करने की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है कुंद्रकी। यहाँ की इल्मा अफरोज ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, उनको 217 रैंक मिली है। इसी के साथ उनका आईपीएस बनना तय हो गया है। इल्मा अफरोज का जीवन संघर्ष भरा है, उन्होंने ये कामयाबी अपनी मेहनत के दम पर पाई है। वह 14 साल की थी जब उनके पिता का इंतकाल हो गया था। ऐसे में घर की बड़ी बेटी होने के नाते इल्मा ने परिवार संभाला। इल्मा खेत में पानी चलाने, गेहूं काटने, जानवरों को चारा बनाने जैसे काम भी करती रही, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। इल्मा की कहानी किसी को हैरान कर सकती है। इल्मा पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और जकार्ता तक में पढ़ाई कर चुकी हैं। इनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक में हुई है। यूएन के क्विंटन फाउंडेशन के लिए भी काम किया है। बावजूद इसके इल्मा बिल्कुल साधारण कपड़े पहनती हैं और साधारण तरीके से रहती हैं। इल्मा बताती हैं कि पहले 12वीं तक पढ़ाई स्कॉलरशिप के आधार पर हुई, फिर दिल्ली स्टीफन कॉलेज में दाखिला मिल गया, वहाँ भी स्कॉलरशिप से पढ़ी। इसके बाद पेरिस, न्यूयॉर्क, ऑक्सफर्ड सब जगह स्कॉलरशिप मिलती रही, मैं पढ़ती रही। वो आगे कहती हैं कि स्कॉलरशिप से उनकी पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन खुद का खर्च चलाने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम किया, बर्तन साफ़ किया, झाड़ू पोछा किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इल्मा के घर में किचन एक तख्त के ऊपर बनाया गया है। उसके ड्राइंग रूम की छत पर फूस का छप्पर है। उसका ड्रेसिंग टेबल उनकी अम्मी को दहेज में मिला था, जो गल चुका है। इल्मा के घर के दो कमरों में कोई बेड नहीं है, चारपाई टूटी हुई है। इल्मा के पास बेहद सस्ता स्मार्टफोन है जिसकी स्क्रीन टूट चुकी है। इल्मा की माँ सोहेला अफरोज बहुत खुश है। वो कहती हैं, मेरी बेटी ने बहुत तकलीफ झेली है, उसका रब खुश हो गया है। इल्मा खुद भी कहती हैं कि उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक अब दी है। इल्मा ने कहा, सुनने वाले को किसी फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है मेरी ये कहानी, लेकिन यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो कभी हिम्मत न हारने के लिए प्रेरित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्पल न्यूज़।